हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टेक वैसी में। दोस्तों, आज की वीडियो यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल तरीके की जहां से आप आसानी से यूट्यूब पर व्यूज़ जो है वो पा सकते हैं। आप अगर गूगल पर सर्च मारे तो आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स या यूट्यूब पर ही आपको ऐसे बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि आपको थर्ड पार्टी एप्स पर ले जाती हैं, जहाँ पर आप व्यूज़ जो है वो पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या आप चाहे तो किसी वेबसाइट की मदद से आप जो है बोट्स का यूज़ करके या पैसे देकर भी व्यूज़ पा सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि इन सभी का यूज़ करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो यूट्यूब इस चीज़ को इलीगल मानता है और वो आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा। एंड्रॉयड ऐप आपको ऐसा ही एक मिल जाएगा जिसका नाम है अर्न मनी, जहाँ पर आप आसानी से वीडियोस पर व्यू जो है वो पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस ऐप से अगर आप व्यूज़ लाते हैं तो आपका जो चैनल है उसके टर्मिनेट होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो गूगल के तरफ से ही एक चीज़ चलाई जाती है जिसको कहा जाता है गूगल एडवर्ड्स, जो कि आपको फ्री में, फ्री नहीं सॉरी, पेड में आपको जो है लीगल तरीके से आपको व्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। ये ऐप काम करती है आपके कैंपेन बनाने से। आप चाहे तो अपने चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं, आप चाहे तो अपने किसी वीडियोस को भी प्रमोट करवा सकते हैं। यहाँ पर एडवर्ड्स की अगर हम बात करें तो एडवर्ड्स जो है वो आपको देता है फ्री 2000 का क्रेडिट, यानी कि अगर आपने करीबन 2000 या 3000 रुपये, 3 से 4 महीने का शायद टाइम देते हैं आपको, अगर उतने में आपने 2000 से 3000 रुपये खर्च कर दिए अपने कैंपेन पर, तो आपको 2000 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आप उन 2000 का यूज़ करके अपनी किसी भी वीडियोस को प्रमोट करवा पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीडियोस प्रमोट करवाने का फ़ायदा आपको ये होता है कि यूट्यूब पर जो वीडियो सर्च होती हैं, मतलब किसी ऑडियंस ने आपकी किसी आपका कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ मान लीजिए, तो आपने उसके ऊपर वीडियोस बनाई, आपने उस वीडियो को प्रमोट करवाया। कोई व्यक्ति है वो जो है फैशन को सर्च मारता है, तो यूट्यूब जो है एडवर्ड्स जो है एड वहाँ पर नहीं शो करेगा, बल्कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन के बारे में सर्च मारेगा तो उसकी वीडियोस पर आपके एड को दिखाया जाएगा, उन वीडियोस पर आपके ऐड को दिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति ने भी सर्च मारा यही चीज़, आपकी वीडियोस भी इसी चीज़ के बारे में, तो एक चांस बनता है कि वो व्यक्ति आपके उस ऐड पर क्लिक करे और साथ में पहुंच जाए आपके चैनल पर, जो कि आपको एक अच्छा सब्सक्राइबर पाने में भी हेल्प कर देता है। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट की मदद से जो है व्यू पाते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट वाले क्या करते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं और बदले में आपको क्या करते हैं कि उनके खुद के इतने ज़्यादा, मतलब किसी फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दिया या किसी ऐसी जगह पर शेयर कर दिया जहां पर उन्हें आसानी से व्यू मिल जाए और आपके चैनल को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सारे व्यू जो हैं वो इलीगल माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों गूगल एडवर्ड को पूरा यूज कैसे करते हैं तो आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप बता दीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर पूरी एक वीडियोस बना कर दे दूंगा। मेरा चैनल, जब खुद मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है एडवर्ड को, जब मेरा चैनल जो है एडिशनल रिव्यू में गया था मोनेटाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पर मेरे चैनल पर 2040 मिनट जो चाहिए थे हमको, या सीधा आप कह सकते 4000 घंटे, वो नहीं थे। उस टाइम पर मैंने अपने कुछ वीडियोज़ को जो है प्रमोट करवाया था, जिससे मुझे कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी मिला और मैं 2,40,000 जो है मिनट जो थे वो पूरे हो गए, मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, ये लीगल तरीका है, तो यूट्यूब पर अगर आप इससे एडवर्ड से आपको व्यू आते हैं तो यूट्यूब कभी भी इस बात को जो है वो गलत नहीं कहेगा या आपके चैनल पर टर्मिनेशन का जो खतरा है वो कभी भी नहीं आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।